आज तक ने हुर्रियत की पाकिस्तान से गठजोड़ का किया पर्दाफाश। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए गिलानी एंड टीम को पाकिस्तान देता है पैसा। आज तक के कैमरे पर खुद हुर्रियत के एक बड़े नेता नईम खान ने कबूला, कश्मीर में आतंकी आग लगाने के पाकिस्तान से हवाले के जरिए भेजी जाती है करोड़ों की रकम। नईम खान ने खुद कबूला कि पाकिस्तान से पैसे लेकर हुई डील के बाद हुर्रियत ने कश्मीर के 31 स्कूलों में लगवाई आग, 110 सरकारी इमारतों को भी पहुंचाया नुकसान। चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग बचाए हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से मिले पैसे के दम पर गिलानी गैंग को सरकार गिराने तक का है दम, कहा जब चाहे गिरा सकते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार। कैमरे पर हुर्रियत नेता नईम खान ने किया बड़ा कबूलनामा। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को लश्कर ए तैयबा से मिलता है पैसा, आतंकी हाफिज सईद से सीधे संपर्क में है गिलानी। नईम खान के मुताबिक घाटी में हिंसा और पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान अलगाववादियों को सऊदी अरब और कतर से गए रास्ते भेजता है पैसा। हुर्रियत नेता नईम खान का दावा, पाकिस्तान से अगर 400 करोड़ रुपए और मिले तो 3 महीने तक अभी घाटी रहेगी अशांत, जारी रहेगी हिंसा। आज तक के कैमरे पर जेकेएलएफ सरगना फारूक अहमद डार की भी खुली पोल, पैसे के बदले कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए दिखा दे करार। हुर्रियत पर किए गए आज तक के बड़े खुलासे पर केंद्र सरकार ने दिया कार्रवाई का भरोसा। जितेंद्र सिंह बोले, ये बातें पूर्व सरकार के भी संज्ञान में थी लेकिन नहीं की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ परीक्षा का टॉपर नबील अहमद वानी और उनकी बहन को मिल रही आतंकी धमकी, बीएसएफ की नौकरी छोड़ने का आतंकी बना रहे दबाव, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से की शिकायत। कुलभूषण जाधव मामले में खुलासा, तालिबान ने कुलभूषण को किया था अगवा, बाद में पैसा लेकर कुलभूषण को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाधव का पक्ष रखने वाले हरीश सालवे को भरोसा, भारत के पक्ष में आएगा कोर्ट का फैसला, अगले 2 हफ्ते में फैसले क्यों होंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाने की कवायद तेज, कोबरा टीम और छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया साझा अभियान। बीजापुर सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में अब तक 15 नक्सली ढेर, एक जवान हुआ शहीद। लालू और चिदंबरम की बेनामी संपत्ति पर छापेमारी को वित्त मंत्री जेटली ने बताया जायज, बोले अब आ गया है हिसाब देने का वक्त। लालू और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति पर कसा शिकंजा, दिल्ली और गुड़गांव में 22 जगहों पर आईटी विभाग की दबिश, लालू की बेटी बेटे और दामाद की जायदाद पर छापेमारी। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लालू के परिवार की संपत्ति का खुलासा, मीसा भारती को दिल्ली के 2 ऑपरेटर्स से पैसे मिलने का आरोप। दिल्ली के विजवासर में फार्म हाउस पर छापेमारी, लालू के परिवार का बालिकाना हक होने का आरोप। लालू और उनके परिवार पर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप, दिल्ली में बेटे तेजस्वी पर 115 करोड़ की संपत्ति का इल्जाम। अपने खिलाफ छापेमारी पर लालू ने किया ट्वीट, लिखा फांसीवादी ताकतों से आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। लालू परिवार के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर नीतीश ने उठाया सवाल, पूछा 22 ठिकानों पर कहां हो रही है छापेमारी। कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कई शहरों में सीबीआई की छापेमारी, 14 ठिकानों पर जांच एजेंसी का शिकंजा। तमिलनाडु में चेन्नई सहित 8 जगहों पर सीबीआई का छापा, चिदंबरम के शहर करिकुडी में भी पहुंची थी। दिल्ली के जोरबाग में भी चिदंबरम के घर सीबीआई टीम की तलाशी, मुंबई और गुड़गांव में रेड, चिदंबरम के बेटे कार्ती के घर पर भी छापा, आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने का मामला। पार्टी में घमासान और विवादों के बीच केजरीवाल ने आप विधायकों मंत्रियों को दी डिनर पार्टी, सामने आई तस्वीरें। केजरीवाल की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे कुमार विश्वास, अलका लामा ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा पार्टी में कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिलीप पांडे को सभी ने किया मिस। केजरीवाल की डिनर पार्टी में आप नेताओं के साथ उनके परिजन भी हुए शामिल, गाने बजाने ताजा विवाद का दिया असर, आग से आग बुझाने की हुई बात। सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से उसको बुझाएगी।
कस्तूरबा नगर के विधायक मंडल लाल के मुताबिक केजरीवाल पार्टी में पहुंचे सभी लोगों ने सीएम केजरीवाल में प्रकट की निष्ठा। कपिल मिश्रा के आरोपों को किया खारिज। आज मथुरा जाएंगे डीजीपी। कल बदमाशों ने दो जौहरियों की हत्या और दो को गोली मारकर करोड़ों की लूट को दिया था अंजाम। तीन पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड। आगरा पहुंचे आप नेता संजय सिंह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। बोले यूपी में है समाजवादी पार्टी 2 सरकार। संजय सिंह यूपी के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ठोका दावा। बोले जहां जहां मजबूत है कैडर वहां लड़ेंगे निकाय चुनाव। उन्नाव पहुंचे योगी सरकार के कृषि राज्य मंत्री रणेंद्र प्रताप सिंह। अवैध वाटर प्लांट से जमीन होने की शिकायत पर भर्ती कार्रवाई का दिया भरोसा। यूपी के बहराइच में प्रेम विवाह के मामले पर दो गुटों में झड़प। कोर्ट परिसर में चली गोली, दो घायल।